गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फाइनली वैक्सीन डे, सो हम जा रहे हैं अपनी वैक्सीन की डोज लेने। बट मेरे साथ एक ब्लंडर हो गया क्योंकि मैंने पहन लिया 3/4। सो अब मुझे कुछ देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं क्या करते हैं। और हम सभी को वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवानी चाहिए, और वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने लगवा लिया है, मैं ही काफ़ी लेट हूँ और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगी, वैक्सीन लगवाती हूँ। देख सो गाइज, हम जो है वो कोवैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। कोवैक्सीन का ही वेट कर रही थी मैं, और कोवैक्सीन जो है हमारे एरिया में अवेलेबल नहीं था, सो मुझे थोड़ी सी आउटर लोकेशन मिली है, बट फाइनली मिल गई है। सो आज हम जा रहे हैं वैक्सीन की डोज लेने, और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप सबके साथ कि कैसा रहा, कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं। और फिलहाल तो मेरे साथ ब्लंडर हो चुका है, सो मैं अभी कुछ चेंज करूँगी क्विकली क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अभी। तो देखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। लगेगा जी। दूसरा जो है वो 1 महीने के अंदर ही लगेगा। 1 महीने के अंदर, 28 दिन के अंदर। सो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डरा दिया। सो गाइस, दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पे कि हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने एक रिलेटिव के यहाँ गए और वहाँ मैंने कपड़े चेंज किए, और उसके बाद हम पहुँचे वैक्सीनेशन सेंटर पर। इससे क्या इम्यूनिटी वीक होती है मैम? ये इंजेक्शन लगाने से इम्यूनिटी वीक होगी? आपने लगवा लिया है? हम लोग तो जनवरी में ही लगवा लिए। आपका तो इम्पोर्टेंट है। लगवा के फिर लगा रहे हैं। जो लोग डर रहे हैं मैम, उनको क्या कहना चाहेंगे? कोई डरने की जरूरत नहीं है ना, बहुत आराम से, दर्द भी नहीं हो रहा है। मम्मी, आपकी दोनों डोज कंप्लीट हो गई ना वैक्सीनेशन की? हाँ, कंप्लीट हो गया मेरा तो। कुछ प्रॉब्लम हुई? हाँ, फर्स्ट में तो आया था, फीवर आ गया था, थोड़ा सा बदन में दर्द था। सेकंड में नहीं आया, फीवर ऊपर नहीं आया। तो वैक्सीन जो लोग डर रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए ये बोलना चाहेंगे, डरे ना, क्योंकि फायदे के लिए लगवाना जरूरी है। सब लोग लगवाए हैं ना? सब लोग लगवाए, लेकिन लगवाने के बाद ऐसा नहीं है कि सब बाहर घूमने निकल जाए। लगवाने के बाद, स्पेशली जब आप अपनी पहली वैक्सीन लगवाते हो, उसके बाद तो आपको घर से कम ही निकलना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे वैक्सीन लगवाए ऑलमोस्ट 24 घंटे में, बस कुछ घंटे ही बाकी हैं। आई थिंक 1 या 2 घंटे बाकी हैं, क्योंकि अभी बज रहा है 2-2.5 के आसपास बज रहा है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, एवरीथिंग इज़ फाइन। मतलब ना ही इम्यूनिटी वीक लग रही है, ना ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। जैसे मैं पहले फील कर रही थी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सारे मैंने मॉर्निंग के अपने काम किए, जो भी रूटीन था वो सब। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ करौंदे की लौंजी। सो करौंदा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मैं आपको अभी इसको बैक साइड से दिखाती हूँ। तो मैंने इसके जो बीज हैं ना वो निकाल लिए हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। स्पेशली कहा जाता है कि वुमेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो किस तरीके से इसको क्विकली बनाना है मैं आपको फटाफट से रेसिपी शेयर करती हूँ, आप सब भी ज़रूर ट्राई करें। ये है करौंदा, जिसका कि मैंने बीज जो है वो बीज से निकाल के इस तरीके से कट कर लिया है।
साथ ही थोड़े से लहसुन और मिर्ची भी मैंने कट कर लिए हैं जो कि हमें चाहिए होंगे। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को मैंने एक डली जो गुड़ की होती है उसको मैश कर लिया, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर आता है तो बैलेंस हो जाता है। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी और उसमें तेल भी डाल दिया, तेल ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पंचफोरन, जैसा कि आप सभी को पता है, तो पंचफोरन में डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें पंचफोरन डालेंगे, तो मैंने इसमें सौंफ और हींग डाल दिया है, और अब हम डालेंगे जीरा एक चम्मच, मतलब एक चम्मच नहीं लेना आपको, आधा चम्मच। थोड़ी सी राई, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी, डाल देंगे हमारा लहसुन जो हमने कट, और अब हम डालेंगे अपने ही करौंदे। तो हमने अच्छे से चला दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक। आधा चम्मच के लगभग आपको हल्दी डालना है, उसके बाद नमक इसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। अच्छे से चला करके अब हम उसको कवर कर देंगे। तो अब मैं इसको कवर कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमारे करौंदे, और उसके बाद हम इससे आगे का प्रोसीजर करेंगे। और ये एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्ची आपको मतलब नहीं पसंद हो तीखा, मैं एकदम ज़रा सा डाल रही हूँ, बिकॉज लाल मिर्ची मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ इसलिए। एंड 1/4 स्पून जो है वो धनिया पाउडर। तो गाइस यू कैन सी, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे ताकि अच्छे से मसाले जो है इसमें मिल जाए। एक मिनट के लिए हम ढकेंगे बस। अच्छे से मिल गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1 cup of water। हमने इसको ढक दिया है 5 मिनट के लिए। सो गाइस हमारे करौंदे जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। सो अब हम इसमें डालेंगे गुड़ की डली, यानी कि मैंने एक गुड़ लिया है जिसको कि प्रॉपरली अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। सो चलिए इसको डालते हैं।
गाइस हमने इसको ढक दिया है और 5 मिनट के बाद ऑलमोस्ट हमारी जो लॉन्जी है वो रेडी हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। तो गाइस फाइनली हमारे करौंदे की जो लॉन्जी है वो रेडी हो चुकी है और ये सारा प्रोसेस आपको बहुत ही स्लो और मीडियम आंच पे करना है, तेज बिल्कुल भी नहीं करना है गैस, अदरवाइज जल जाएगा ये। तो चलो आपको दिखाती हूँ और फटाफट से इसको निकाल लेती हूँ। सी गाइस कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अभी से ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हेल्थ पॉइंट से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसको हम ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, थोड़ा सा मुझे हल्का सा इसी कंसिस्टेंसी में पसंद है, इसलिए माफ़ कर लेते हैं और इसको मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। चैनल और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।